ये मेरे पास DJI की ओर से आने वाला DJI Osmo मोबाइल SE गिम्बल, जिसकी आज हम लोग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। तो बिना आपका टाइम इसके चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब चलिए गाइस फटाफट इस गिम्बल की अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है DJI Osmo मोबाइल SE। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे से हम लोग इसकी जो टैप लगी हुई है उसको कट करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसकी ऑलरेडी अनबॉक्सिंग हो रखी है। ये गिम्बल हमारा नहीं है, मेरे दोस्त का है, तो उसने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर ली थी, तो हम लोग केवल अनबॉक्सिंग करने के लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बॉक्स को ओपन कर लिया है। बॉक्स को ओपन करते दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को ये सारी डिटेल देखने को मिलती है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर एक QR कोड भी दिया गया है, जिसकी मदद से हम लोग इसका जो APK है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस बॉक्स को ओपन करते हैं, तो इस बॉक्स के अंदर से दोस्तों हम लोगों को कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है। क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोगों को ये कार्ड देखने को मिलता है, जिसमें QR कोड दिया गया है, जिसकी मदद से हम लोग इनके जो APK है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो पाउच है इसकी क्वालिटी काफी सही है, और ये पता नहीं क्या है, तो इनको भी हम लोग साइड में रखते हैं। बॉक्स के अंदर से दोस्तों और कुछ चीजें निकलती है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों इसके डॉक्यूमेंट्स, मतलब यूजर मैनुअल, ये सारा कुछ है। तो भाई ये तो मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लोग पढ़ना चाहते हो आपके ऊपर है। इन सभी चीजों को साइड में रखते हैं और बॉक्स के अंदर से निकालते हैं दोस्तों इसका चार्जिंग केबल। कुछ ऐसा में चार्जिंग केबल देखने को मिलता है दोस्तों गिम्बल का। अभी दोस्तों निकालते हैं इसको, और ये है दोस्तों एक गिम्बल का ट्राइपॉड, यानी कि दोस्तों हम लोग ये जो गिम्बल है उसका स्टैंड कह सकते हैं। ये कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है, ऊपर की साइड में दोस्तों नट दिया गया है, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ओपन करके रख सकते हैं, जिसमें गिम्बल को हम लोग सेट कर सकते हैं। अभी दोस्तों निकालते हैं इसका मोबाइल होल्डर, और कुछ ऐसा मोबाइल होल्डर हमें देखने को मिलता है। और हाँ दोस्तों ये जो गिम्बल है वो मैग्नेट वाला है, यहाँ पर पीछे देखो ये दोस्तों जो है वो मैग्नेट है, जो कि गिम्बल के साथ कनेक्ट हो जाता है। अभी दोस्तों हम लोग बाहर निकालते हैं अपने मेन कंटेंट को, यानी कि दोस्तों गिम्बल को। तो भाई ये रहा कुछ ऐसा गिम्बल में देखने को मिलता है, वैसे फोटो में आप लोगों ने देख लिया था, तो कुछ ऐसा गिम्बल देखने को मिलता है, चारों ओर से आप लोग देख लो। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुछ जॉयस्टिक, कुछ बटन, कुछ चीजें दी गई है। भाई ये है दोस्तों मैग्नेट, जिसमें हम लोग दोस्तों इसका जो ये होल्डर है उसको चिपका सकते हैं, मतलब कि मोबाइल लगाने के बाद ये आसानी से इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। हमको कुछ ज्यादा मतलब कि कुछ कराना नहीं है, अपने आप ही चिपक जाएगा। यहाँ पर हमें चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इस साइड में आप लोग देखोगे तो नीचे दोस्तों ये जो ट्राइपॉड है उसको लगाने के लिए मिल जाएगा, तो ये वाला ट्राइपॉड हम लोग इसमें लगा सकते हैं। लगने के बाद दोस्तों हम लोग गिम्बल को कहीं रखना चाहे तो रख सकते हैं। और इसमें दोस्तों हम लोगों को एक ट्रैकिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिसकी मदद से दोस्तों हम लोग फोन को गिम्बल को साइड में रख के वो हमको ट्रैक करता रहेगा, ये भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे बटन देखने को मिलते हैं, जॉयस्टिक है, छोटी सी स्क्रीन देखने को मिलती है, जिसमें दोस्तों चार्जिंग और लाइट जलती हुई देखने को मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों ये रहा इसका मोबाइल होल्डर, जैसे मैंने आपको आगे बताया। लेकिन इस मोबाइल होल्डर में दोस्तों यहाँ पर कैमरा का निशान दिया गया है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप लोगों को अपना ये जो फोन है उसका जो कैमरा है वो ऊपर की साइड में रखना है, जिसमें इसमें बताया गया है उसी साइड में इसको मतलब कि कनेक्ट करना है, मतलब कि मोबाइल होल्डर में फोन को लगाना है उसी तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों इस गिम्बल को इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों मोबाइल को मोबाइल होल्डर में लगा देना है। कैमरे वाला जो निशान है उस तरीके से कैमरा जो मोबाइल का है वो ऊपर होना चाहिए, आप लोग देख सकते हो। कुछ ऐसे लगा देना है और सही से सेटअप कर देना है। फिर दोस्तों आप लोगों को सिंपली क्या करना है, गिम्बल में और यहाँ पर दोस्तों जो ये मोबाइल होल्डर, उसमें दोनों साइड में कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग डायरेक्टली अपने गिम्बल के साथ ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों केवल M बटन को हमको दबा के रखना है, तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और इसका दोस्तों जो APK आता है, ये वाला जो DJI मीमो APK है, इसकी मदद से दोस्तों इसका जो कैमरा है उसको हम लोग गिम्बल के जो काफी सारे बटन दिए गए हैं उससे कंट्रोल कर सकते हैं। वरना दोस्तों गिम्बल के जो बटन है वो फोन का जो कैमरा आता है उसमें काम नहीं करेगा, फोन का कैमरा ऐप में। इनका जो कैमरा ऐप है उसमें दोस्तों गिम्बल के जो बटन है वो काम करेंगे। इसमें दोस्तों केवल जॉयस्टिक वाला जो है, मतलब कि आप लोग देख सकते हो कि ऐसे ऐसे हो रहा है मोबाइल, वो केवल काम करेगा, लेकिन बाकी के जो बटन है, रिकॉर्डिंग चालू करना, फ्लिप करना, कैमरा, फ्रंट कैमरा, सेकंड कैमरा, वो नहीं होगा। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखो, हम लोग कुछ इस तरीके से गिम्बल में फोन को घुमा भी सकते हैं। इसके ऊपर दोस्तों एक वीडियो आने वाली है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इस गिम्बल को आप लोग कैसे यूज कर सकते हो। अगर आप लोग दोस्तों इस वीडियो को 10 फरवरी के बाद में देख रहे हो, 10 फरवरी 2024 के बाद, तो दोस्तों वीडियो आ चुकी होगी और उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि इस गिम्बल को कैसे यूज करना है, कैसे कनेक्ट करना है, वो सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। तो अभी कैसे हम लोग इसका स्टेबिलाइजेशन चेक करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं भागता हूँ भाई, कैसे स्टेबिलाइजेशन है वो आप लोग देख सकते हो। अभी बैक कैमरा से चेक करते हैं। तो अभी कैसे हम लोग बैक कैमरा से शूट कर रहे हैं और थोड़ा सा रन करते हैं, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका स्टेबिलाइजेशन कैसा। तो बस यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।